कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी से कहीं चले जाएंगे। मैं आपके साथ रहता हूं, आप लोग मेरे साथ नहीं रहते। मैं एनी के लिए लड़का खुद ढूंढूंगी। नहीं नहीं, आपको जहमत की जरूरत नहीं है। शादी का वक्त तो मुकर्रर होता है, जब आएगा तो हो जाएगा। अदनान कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है, जो उसके बाद कोई मिलेगा नहीं। दाहिरा के हाथ भाभी ने कुछ तस्वीरें भिजवाई हैं। सच पूछे तो मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी। मुनीरा, लड़की तो वाकई बड़ी सोनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपने प्रोफेसर साहब सारा को भूल पाएंगे? सारा को तो उसे भूलना ही होगा। उसके घर के माहौल में और हमारे घर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। कहती तो तू ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं सुन रही हूँ। देखो तुम ऐसा करो, लड़के की माँ बहन भाभी सबको लेके एक साथ ही आ जाना। ये नहीं कि कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, लड़की ना हुई बंदर का तमाशा हो गया। हाँ हाँ इतवार ठीक रहेगा, सारा की भी छुट्टी होती है। ठीक है मैं इंतजार करूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं सिर्फ शरबत पिलाऊंगी। आइए बिल्कुल, नाश्ता वास्ता किसी को नहीं ठुसवाऊंगी। हाँ खुदा हाफिज। पता यार, मैंने तो अपनी मम्मी को कह दिया कि मुझे और नहीं पढ़ना। हाँ भाई, तुम्हारी तो शादी नहीं हो रही है ना, इसलिए तुम पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ, इतना पढ़ो कि अपने बाल सफेद कर लो। उड़ा लो मजाक। पता है मेरी मम्मी क्या कहती है, कि जो लड़कियां पढ़ती चली जाती है ना, और पढ़ती ही चली जाती है, उनकी बड़ी खास मजबूरी होती है। बेचारियों की शादी जो नहीं हो रही होती है। और मेरी तो मंगनी हो चुकी है। किसके साथ? मेरे कजन के साथ। बड़ा ही पागल है वो तो मेरे लिए। Hey.
या एक तुम ही तो दोस्त हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ। उसके बारे में यार अब क्या बताऊँ उसके बारे में। हाँ बता रहा था, वो बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत प्रेटी, लेकिन गुस्सा उसके नाक पर हर वक्त मौजूद रहता है। यार बात क्या करूँ, लिफ्ट क्लीन करा दियो मुझे। नहीं तो कोई तरीका होता है ना बात करने का। थैंक यू। चलो देखता हूँ ना, समडे ये कॉन्फिडेंस है। नहीं मैं शाय नहीं हूँ बिल्कुल भी यार, मुझे मौका नहीं मिल रहा यार, बात करूंगा। हाँ जरूर। तो मेरा ख्याल सही निकला, सारे भाई किसी को पसंद कर बैठे, मगर कौन है वो जो मेरे प्यारे से भाई को लिफ्ट नहीं दे रही। जरूर इतरा रहूंगी ताकि भाई इसके लिए बेकरार हो जाए। हाँ यही बात होगी, पर मैं पता चला ही लूंगी क्या वो है कौन। मेरे दिल में सारिम का ख्याल बार बार क्यों आता है, जबकि मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मगर ये बिला इजाजत मेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। हम लड़कियों के लिए शायद ये मसला सबसे बड़ा है कि जिन्हें हम नापसंद करते हैं वो बार बार हमसे टकराते हैं, और हम लड़कियां अपने जिस आइडियल को ख्वाब में देखा करती हैं वो हकीकत में कभी मिलते ही नहीं, या फिर मुझे अभी तक वो नज़र नहीं आया कि वो कहाँ है। तुम्हें तो शायद मालूम ही ना हो कि तुम मेरे दिल में उतर चुकी हो, कि तुम मेरे दिल में बस चुकी हो, या फिर हम लड़कों की ये फितरत है कि जो लड़की हमें मोहब्बत से देखे हम उसे इग्नोर कर देते। जो हमें नजर भर कर भी ना देखे उसको देखने और उससे बातें करने को दिल करता है। हाँ बात तो अजीब है मगर यह सच है कि कोई हमें अच्छा ना लगा और किसी को हम अच्छे ना लगे। बता रही थी कि उसके मिलने जुलने वालों में एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि अदले बदले की शादी हो। पर अम्मी सारिम भाई ऐसे रिश्ते के लिए तो कभी भी नहीं मानेंगे। और तुम? जाहिर है मैं भी उन्हीं की बहन हूँ, बगैर जाने पहचाने कैसे किसी से शादी कर सकती हूँ। शादी करने के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं होती, शादी तो एक जुआ है, कौन जाने कौन जीतता है और कौन हारता है। पर अम्मी पसंद की शादी करने की बात भी अलग ही होती है। अरे बेटा यहाँ अच्छे रिश्ते कहाँ, जो लड़का चार जमातें पढ़ जाता है वो मुल्क से बाहर जाके शादी कर लेता है। जो मेरे नसीब का होगा मुझे जरूर मिलेगा। आगे मेरे भाई को भी तो उसकी पसंद की लड़की नजर आ ही गई, तो मुझे भी तो जरूर नजर आ जाएगा। अभी प्रोफेसर यार की सोचिया तू भाई? किस सिलसिले यार, केड़ा सिलसिला घर से चल रहा है, तुम्हारी शादी का सिलसिला और कौन सा सिलसिला? मैंने क्या सोचना है, जो आप लोग सोचेंगे वही मेरे लिए बेहतर है। बेटा तुम कहो तो डॉक्टर नसरीन के यहाँ दोबारा चले जाए, आला तालीम याफ्ता घराना है, वहाँ कोई चीप बात नहीं होगी। अम्मी मैंने आपको बताया तो था कि मुझे जॉब करने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं। तो साजिदापा की शैला को देख लेते हैं, बीए के बाद घर में बैठी है। अम्मी शैला बहुत तेज लड़की है,
बातचीत में पटाखा किस्म की, जान अजाब करके रख देगी। अरे बेटा आजकल तेज कौन नहीं है, तुम ही तो बताओ। मैं कुछ नहीं बता सकता, जो आप लोगों की पसंद होगी वो मेरी पसंद होगी। यार प्रोफेसर, तुम कहो तो तुम्हारी शादी सारा से करवा दें। ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे दिल की बात तो कह रहा हूं, मगर मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। यार तन्हाई में तुम एक बार दिल से पूछो तो। आंटी मुझे माफ कर दे, मेरी अम्मी को भी माफ कर दे, वरना वो मेरी शादी कहीं और कर देंगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? नहीं पहले आप कह के आपने मुझे माफ कर दिया, वरना मैं चुप नहीं करूंगी। अरे तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? अदनान ने। हैं? ये तुम्हें सता रहा होगा। अरे मैं प्यारी सी बेटी से कैसे नाराज हो सकती हूँ? इसका मतलब ये अम्मी कि आपने सारा को वाकई माफ कर दिया? You are great अम्मी। हाँ मैं अपनी प्यारी मासूम सी बेटी है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी मेरी गुड़िया को। Wow, thank you so much, आंटी। अब गजाला तो जेलिस हो जाएगी कि हमारी एंगेजमेंट तो टूट ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी तो लव मैरिज हो रही है और अंदाज़ तो मुझे बढ़ते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरी जिंदगी में हैं। अरे सुबह ही सुबह फोन करके मुझे कहने लगी कि जरीन भाभी अगर खाला जान आ रही है तो उनको लेकर मेरे घर जरूर आइएगा। अरे बड़ी मोहब्बत आ रही है उसको आजकल मेरी सास से। अम्मी क्या वाकई दादी जान आ रही है? चुप कर जा, बाप लिखेंगी। कहती है कि जिस चीज का नाम सुबह शाम लिया जाए ना वो चीज हो जाती है। अल्लाह ना करे कि वो आके टपक ही ना जाए इधर। अम्मी मुझे तो लगता है कि वो वाकई आ जाएगी, इसलिए तो रुखसाना आंटी ने आपको फोन किया है। जान अजाब में आ जाएगी, अल्लाह ना करे कि वो आए हमारे घर में। आने देना अम्मी, कभी कभार तो आती है। जब बेटे मर जाते हैं ना तो सास का कोई हक नहीं रहता, लेकिन वो तो अपने पहले वाले अंदाज में जिंदा रहना चाहती हैं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अभी उनका पोता और पोती मौजूद है, उनका हक है हम पर। ये हक के चक्कर में ना सारी दुनिया परेशान रहती है, फर्ज किसी को याद नहीं होते, हर वक्त हक को ही रोते रहते हैं। अरे भाई मैं तो सीधी सी बात करती हूँ कि जब तेरा बेटा मर गया तो तेरा क्या हक है मुझ पे? जब दिल चाहता है मुंह उठा के चली आती हो मेरे घर पे हक जताने के लिए। देखा अपने ससुराल वालों को कैसे थूक के चाटा है। जी नहीं, ये उनका बड़ापन है जो उन्होंने आपकी तमाम कड़वी कसैली बातों को भुला दिया। असल में तुम्हारी सास मुझे दबाना चाह रही थी। वो समझ रही थी कि बेवा औरत है, ना भाई है, ना शोहर है, ना बाप है, बस जो कहेंगे मानती चली जाएगी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तक आंटी ने ही आपकी हर बात मानी है। अरे वो तो मेरे चीखने चिल्लाने की वजह से दबी है और समझ गई कि ये औरत दबने वाली नहीं है। उस दिन मैंने उसे खरी खरी ना सुनाई होती तो वो मेरे सर पे सवार हो जाती। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं होती। अरे बेटा अभी तुझे पता नहीं है कि ये सास होती क्या है, तू उसे अपना कलेजा भी काट के खिला देगी ना तो वो तुझे अपनी बेटी नहीं समझेगी। वाकई अम्मी? अल्लाह बख्शे हमारी सास को, वो भी किसी डायन से कम नहीं थी। तुम्हारी अपनी मंगेतर से बात बात तो होती होगी ना? नहीं यार कहाँ, बातें बनाने में इतने माहिर हो, मंगेतर से बात बात नहीं होती। क्यों भाई? एक बार उससे मिलने गया था, तुम उससे पूछने बैठ गई कि तुम्हें फिल्में किसकी पसंद है, शाहिद की या सैफ की। मैंने कहा किसी की भी नहीं। नाराज होकर बैठ गई, मुंह बना लिया। अच्छा ये तो बताओ उसकी एक्टिविटीज क्या है? ओ भाई हेलो, तुम्हारी कजन तुम्हारी मंगेतर की एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा हूँ, वो भी नहीं मालूम क्या? नहीं मालूम है, जानता हूँ, सिवाय उछलकूद के उसको आता ही क्या, हर वक्त बस यही करती फिरती।
अमेजिंग। बेटा जी अभी तो तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा है ना, इसलिए कि तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं है। अरे जब तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई बात होगी ना फिर तुम्हें पता लगेगा। नहीं अम्मी, अदनान इतने अच्छे हैं, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे लिए कुछ बुरा सोचेंगे। यही तो तुम्हारी भूल है। अरे अदनान ने अगर अपना रंग कॉलेज में दिखा दिया ना तो तुम्हारा कॉलेज जाना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी आप कैसी बातें करती हैं, अदनान मेरे मंगेतर हैं, वो क्यों ऐसी हरकत करेंगे कि मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने लेट डाउन हो जाऊं? इससे उसकी पगड़ी ऊंची होती है। अय्यार और मक्कार मर्द ऐसी हरकतें इसलिए करते हैं कि उससे पता चले कि वो कितनी तोप चीज है और अगला उसके सामने कितना हकीर है। अच्छा तो आपके दिल में ये बात है। मैं आपसे तो बात करने ही फजूल है। एक बात याद रखिएगा कि मैं अदनान की इज्जत हूँ, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे मेरी बेइज्जती हो। लड़की तो मेरी गई हाथ से। उफ। हेलो हेलो, कौन? मैं आपकी शहजादी। और कौन? मुझे फोन क्यों नहीं किया? अभी अभी तो मैसेज भेजा था मैंने। 2 बज रहे हैं रात के, शरीफ आदमी के सोने का टाइम होता है। अच्छा तो आप शरीफ आदमी हैं, मैं समझी आप नवीद। इस वक्त फोन क्यों किया शहजादी? नहीं कर सकती कि आपको फोन, मेरा हक नहीं बनता क्या? ये बातें करने का वक्त नहीं है शहजादी। भाई जब मंगनी हो जाती ना तो मंगेतर आपस में पूरी पूरी रात बात करते हैं। मैंने तो टीवी पे सुना था, आपको नहीं पता? प्लीज शहजादी, मुझे रात देर तक जागने की आदत नहीं है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह बात करेंगे। आदत नहीं है तो आदत डाल लें। पहले आपकी मंगनी थोड़ी हुई भी थी, अब आपकी मंगनी हो चुकी है। क्या कह रही हो तुम? अच्छा बात तो सुने मेरी। अच्छा बोलो क्या पूछना चाहती हो? कल घर पे आ रहे हैं ना? क्यों, कोई खास बात है? आप आएंगे तो बताऊंगी मैं। ठीक है आ जाऊंगा। अच्छा सुन तो ले, अम्मी को मत बताइएगा कि मैंने आपको बुलाया। अच्छा ठीक है ओके। यो ही ना बात। अच्छा अल्लाह हाफिज़। लड़की है क्या चीज यार। क्या मुसीबत है, गाड़ी को भी खराब होना था, पर से मैं लेट हो रही हूं, कोई गाड़ी भी नहीं है, गर्मी सारी ये मुझे छोड़ दो। अरे आप यहाँ क्या हुआ, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? हैरान होना तो छोड़ ही दिया है मैंने। इस सड़े हुए पटेला को लेकर अगर घूमोगी तो रास्ते में दगा तो देगी ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम इस तरह की गाड़ी में घूमती क्यों? अम्मी क्या बोलूं, जब ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में छोटे छोटे लोग सफर किया करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों में शहजादियां भी सफर कर सकती हैं। शहजादियां क्या बात है, वजह फरमाया आपने। मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ। बिल्कुल। Anyways, अभी आते टाइम तुम मेरी गाड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से क्यों देख रही थी? रीजन? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये आपकी गाड़ी है और इसमें से आप बरामद होंगे।
क्या कहना क्या चाहती हो तुम? देखा था अकेली शॉपिंग कर रही थी। रुखसाना, हमारे घर पे कोई मर्द नहीं है, हमें अपने घर के सारे काम खुद करने पड़ते। कोई पहचान